पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। घटना के बाद से कोलकाता का आरजीकर हॉस्पिटल चर्चाओं में है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस बीच खबर आई कि आरजीकर हॉस्पिटल की प्रिंसिपल सुहिरिता पॉल को हटा दिया गया, अब उनकी जगह नए प्रिंसिपल के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। आरजीकर हॉस्पिटल का नया प्रिंसिपल मानस कुमार बनर्जी को बनाया गया है, वे इससे पहले बरासात मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। इस पर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर कौस्तुभ नायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो तो सीबीआई जो ना, वो अभी सीबीआई होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, आज से की काज करो छात्रों के साथ बात हुआ, अभी वो कुछ लोग आया था उसके साथ बात हुआ। पहले प्रिंसिपल जो करेगा ज्वाइन होएगा, से सिचुएशन ऊपर डिपेंड कर, सिचुएशन ठीक हो गया। पड़ुआरा कल के गल कथा बोलो आज के सुप्रीम कोर्ट अनेक कि मन हम समाधान कि समाधान हो गए। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की नई प्रिंसिपल सुहिरिता पॉल को पश्चिम बंगाल सरकार ने पद से हटा दिया। जानकारी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। चेस्ट मेडिसिन विभाग की हेड रही सुहिरिता को डॉक्टर संदीप घोष के बाद आरजीकर कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। सुहिरिता पॉल गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भड़क गई थी, ये तक कहा था कि मुझसे कोई उम्मीद न करें। छात्र उनके व्यवहार से बेहद नाराज थे और उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए थे। सुहिरिता पॉल राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में थी, उन्हें संदीप घोष के इस्तीफे देने के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था। संदीप घोष ने जिस दिन आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दिया उसी दिन उन्हें शहर के नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। घोष की नई पोस्टिंग की घोषणा होने के बाद ही छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार शाम को प्रिंसिपल के कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। मंगलवार सुबह मेडिकल छात्र और जूनियर डॉक्टर उसी कमरे के सामने इकट्ठे भी हुए ताकि घोष अंदर ना जा सके। इसके एक दिन बाद हाईकोर्ट ने उन्हें लंबी छुट्टी जाने का आदेश दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।